नमस्कार दोस्तों, केम जो मैं भार्गव पटेल हाईटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब आप संघर्ष करते हो तो अकेले होते हो, लेकिन जब आप कामयाबी पा लेते हो तो दुनिया आपके साथ होती है। दोस्तों, मैं आपको कहना यह चाहता हूँ कि मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि आप संघर्ष करोगे, हार्डवर्क करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, तभी कामयाबी आपको मिलेगी, वरना कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन जब कामयाबी में आपको मिल जाती है तो लोग आपको पहचानने लगते हैं, फिर अपने आप पैसे आते हैं और आप कमाने लगते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको कुछ छोटा मोटा काम करके बहुत सारे पैसा कमा सकते हो, ठीक है। इसके लिए ना तो आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है, ना ही कोई इसे उसके लिए स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत है, ठीक है। आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। मैंने इंटरनेट पर देखा, इंटरनेट पर आजकल सब कुछ मिल जाता है यदि आप स्मार्टली सर्च करते हो तो, ठीक है। तो बात कर लेता हूँ उस बारे में। मैं इंटरनेट पर देख रहा था तो मैंने ईबे साइट खोली। अब ebay.in नहीं, ebay.com जो कि इंटरनेशनल है, क्योंकि वहां से सभी कंट्री में से लोग कुछ भी कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा कि एक इंडियन जो सेलर था, सेलर तो नहीं कहूंगा, वो हमारे जैसे एक आम आदमी था, उसने 1 रुपए का सिक्का और 1 रुपए की नोट डाली हुई थी और उसका जो उसने प्राइस रखा था वो करीब करीब $200 था। $200 उसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर लीजिए, पता चल जाएगा कि 1 रुपए की कीमत क्या बन जाती है। वो सिक्का था, वो थोड़ा पुराना था, थोड़ा नहीं बहुत पुराना था शायद, और वो एंटिक पीस था, और वो 1 रुपए की नोट थी, वो भी एंटिक थी। उसका नंबर जो था वो शायद था 00001 ऐसा था। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि आपके पास यदि ओल्ड कलेक्शन है, ठीक है, ये एग्जांपल जो मैंने दिया वो सिर्फ एक एग्जांपल था कि 1 रुपया कितना पैसा कमा सकता है, या आपने कलेक्शन किया हुआ है कुछ नोटों का, कुछ हमारी करेंसी है उसका, तो आप उस पर से उसको स्पेंड करके आप कितने पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ एग्जांपल था पैसे का। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों से, यानी कि आपके पास करेंसी का ओल्ड कलेक्शन है तो सिर्फ उससे ही आप पैसे कमा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक एग्जांपल था, जैसे कि मैंने बताया आप ये छोटे मोटे पेंटिंग करते हैं, ठीक है, तो आप सोच लीजिए, या तो आप में से कई यूजर जो मुझे अभी देख रहे हैं वो शायद जॉब करते होंगे, लेकिन उसको इंटरेस्ट होगा कुछ पेंटिंग में, कुछ फोटोग्राफी में, कुछ हैंडीक्राफ्टेड जो वस्तुएं बनाते हैं उसमें शायद, तो वो लोग अपने इंटरेस्ट के खातर वो लोग बनाते हैं। तो मैं उसको सजेस्ट करता हूँ, ये वीडियो सजेशन के लिए है उन सभी लोगों के लिए, कि इसमें हार्डवर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आर्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है, आप पेंटिंग करते हो, सब कुछ करते हो, तो वो सब कुछ आप बेच सकते हो, ठीक है। उसको ebay.in पर मत भेजिए, ebay.com पर भेजिए, ताकि इंटरनेशनली आप उसको सेल कर सके, ठीक है, और इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड वाइड से लोग उसको देख सके और जो भी इंटरेस्ट उसमें रखेगा वो परचेस कर सके, ठीक है। तो वो उसने 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का जो था सेल किया, ठीक है, और करीब करीब $200 कमा लिए। वैसे आपके पास शायद कलेक्शन हो वर्ल्ड करेंसी का, तो वो सेल कर सकते हैं। आपके पास इंटरेस्ट है कि आप पेंटिंग करते हो तो आप पेंटिंग बना लीजिए, उसको उस हिसाब से आप प्राइस सेट कर दीजिए, उसको सेट कर दीजिए। फिर आपके पास कोई फोटोग्राफी है, शायद आप बहुत छोटे थे या आपने कहीं से आपको कुछ ऐसी तस्वीर मिल गई है, या न्यूज़पेपर से, मैगजीन से कुछ ऐसी तस्वीर आपको मिल गई है जो अब सर्च करेंगे हम इंटरनेट पर या मैन्युअली तो हमको शायद वो इजीली नहीं मिलेगी,
मिलेगी फिर भी उसको हम अभी ला नहीं सकते घर पर, या हमारे जो काम है उसमें हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि शायद वो दूसरी कंट्री में हो, या उसकी प्राइस ज्यादा हो, या उसकी कॉपीज भी ना हो, ऐसा वो सिर्फ एक ही हो, ऐसा हो सकता है। तो कुछ कुछ ऐसी ओल्ड तस्वीरें होती है, तो मैंने गूगल पर मैंने ईबे पर देखा कि एक कार थी, उसका फोटो था, सिर्फ फोटो, तस्वीर थी सिर्फ 8x10 की तस्वीर थी, और लिखा था कि मॉर्गन कार ऑफ और कुछ साल लिखा था उसमें 1870 ऐसा कुछ, और उस तस्वीर की सिर्फ आप सोचो कितनी, एक तस्वीर पुरानी है, उसका कितना पैसा ले रहा, उसने कितने डॉलर उसमें ऐड किए लिखा होगा कि लोग उसको परचेज करें, 5000, आप समझ सकते हैं 5000 एक तस्वीर का। और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में उसने लिखा था, ईबे पर एक जो आता है फॉर्म उसमें सब कुछ डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं, सेलर जो बन होते हैं वो लिख सकते हैं, वहाँ लिखा था कि मेरे पास ऐसी एपिक एंटिक और 10 तस्वीरें हैं अलग अलग कार कंपनीज की, जो कि अब बंद हो चुकी है, लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन मेरे पास है, इफ एनीवन इंटरेस्टेड देन ईमेल मी, ऐसा लिखा था, ठीक है। तो अब ये तस्वीर बेचकर भी पैसे कमा लेते हैं पुरानी। अब हम क्या सोचते हैं, ये तस्वीर है या ये है कुछ काम का नहीं है, उसको हम दे देते हैं, दिवाली पर जब घर की साफ सफाई चलती है तो उसको हम निकाल देते हैं झाड़ू के साथ, उसको भी फेंक देते हैं, पता नहीं कि आप सोच नहीं सकते कि ये इसके कितने रुपए आ सकते हैं। यदि स्मार्टली उसको आप सोचो कि कैसे मैं उसको बेचूं, तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वी हैव नो आइडिया, और हम उसको ये घर से बाहर फेंक देते हैं या इसको मिटा देते हैं पूरी तरह से, ऐसा कई बार ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो इसकी बजाय क्या कीजिए आप, इसमें कोई हार्डवर्क तो करना नहीं है, सिर्फ गूगल में टाइप करना है ebay.com, और ebay.com को आप ओपन कर लीजिए, ठीक है, ebay.in नहीं, ebay.com, क्योंकि वो इंटरनेशनल है। ebay.com पर जाइए और एक फॉर्म फिलअप करना होता है इजीली, आपको पता नहीं है तो आप शायद यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो कि हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन ebay.com, ठीक है, तो आपको पूरा गाइड मिल जाएगा वहां से, ऐसे फॉर्म होता है, फिलअप कर दो, इसके बाद आप जैसे ही सबमिट करोगे विद इन 48 आवर्स आपके जीमेल अकाउंट या याहू जो भी हो उस ईमेल पर एक ईमेल आईडी पर एक मेल आएगा ईबे की ओर से कंफर्मेशन का, ठीक है, जिसे ही आप कंफर्म करोगे तो आप एक सेलर बन जाओगे, ठीक है, फिर आप अपनी प्रोडक्ट ईबे पर सेल कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, आपको पेपल यानी कि paypal.com पर एक अकाउंट ओपन करना होगा, शायद आपको पता ना हो कि पेपल क्या है, तो थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ कि पेपल एक मेथड है मनी ट्रांसफर की, क्योंकि हम इंटरनेशनली जब कुछ बेचने जाते हैं तो हम वो हमारे बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो सब बैंक्स होती है वो इंडिया में ही लिमिटेड होती है, एक्सेप्ट सम बैंक्स, ओके, तो हमको पेपल वो थर्ड पार्टी है, पेपल का यूज करना पड़ता है, तो जो भी हमारी प्रोडक्ट बाय करता है यानी कि परचेस करता है वो पेपल के जरिए हमको पैसे भेज देगा, और पेपल क्या करेगा कि वो आए हुए पैसे को आपके बैंक अकाउंट में यानी कि इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो यदि आपको पता नहीं है कि पेपल का अकाउंट कैसे ओपन करना है तो यूट्यूब में सर्च कर लीजिए हाउ टू ओपन एन अकाउंट ऑन पेपल, तो आपको फुल गाइड मिल जाएगी, वहां से आप पेपल के अकाउंट ओपन करवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, सिर्फ आपके पास कोई भी तस्वीर हो या कुछ पेंटिंग आप बनाते हो या कुछ हैंडीक्राफ्ट होते हैं आप अपने हाथों से बनाते हो, यानी कि कुछ एपिक वस्तुएं होती है, एंटिक वस्तुएं होती है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकती, ऐसा कुछ, ठीक है, तो उस सब चीजों का कलेक्शन आपके पास हो या आपके हाथ में कभी कभी आ जाए तो उसको कलेक्ट कर लीजिए, और उसकी तस्वीर जो होती है उसको
तस्वीर है तो स्कैन कर लीजिए, वरना उसका फोटो खींच लीजिए, कैप्चर फोटो हो जाता है, उसके बाद उसको ईबे पर अपलोड कर लीजिए, उसकी सही से दाम लगाए। देखिए ऐसा नहीं है कि आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ 10 रुपीस की नोट है और उसका नंबर है 786, ठीक है, फॉर एग्जांपल लास्ट में 786 है, आगे सभी डिजिट जीरो है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको अपनी मर्जी से खरीद बेच सकते हो। आप उसका सही दाम देखे, कंपेयर कीजिए और किसने ऐसा कुछ डाला है, आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएगी। ऐसा ईबे पर सिर्फ लिखना OLD, ठीक है, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी कि, और देखना कि हम जो बेचने जा रहे हैं उस टाइप की जो चीज वस्तु किसी और ने डाली है तो दाम कितना रखा है, उस हिसाब से आप थोड़ा उससे लेवल कम रखो तो हो सकता है कि आपकी जो वो चीज वस्तु है जल्दी भी ये बिक जाए, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, इसमें आपको कोई हार्डवर्क करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ दो अकाउंट्स खुलवाने हैं, ebay.com पर, paypal.com पर। सिर्फ तस्वीर खींचनी है आपके पास जो भी एपिक एंटिक वस्तु है उसकी, सिर्फ अपलोड करना है और डिस्क्रिप्शन लिखना है कि कैसे आप कर सकते हो, वो कर सकते हो, ये कर सकते हो और कौन सी ये चीज है, कितना दाम है, ठीक है। और एक तीसरी बात कि जब भी कोई आपको ऑर्डर करता है तो शिपिंग यानी कि आप उसको डिलीवर कैसे करेंगे, ठीक है, तो बेस्ट तरीका आपको बता देता हूँ, FedEx। FedEx आपने सुना होगा शायद, और ना सुना हो तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन ब्रीफ में बता देता हूँ। FedEx एक ऐसा कुरियर सर्विस है जो इंटरनेशनली है, यानी कि हम इंडिया से कोई भी चीज वस्तु तो भेजना चाहते हो तो FedEx जो है इंटरनेशनली वो सर्विस प्रोवाइड करता है कि हम कोई भी चीज वस्तु को इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड वाइड भेज सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि सिर्फ आपके नजदीक में आप FedEx.com खोल लीजिए और गूगल पर लिख लीजिए FedEx ऑफिस, तो आपको बहुत सारे एड्रेसेस मिल जाएंगे, आपका जो लोकेशन है उसके आसपास जो FedEx की ऑफिस है वहां पर चले जाइए, उसको पूछ लीजिए कि आप कौन कौन सी कंट्री में ये मेरा जो पार्सल होगा आप पहुंचा सकते हो, ठीक है, थोड़ी इंफॉर्मेशन उसको वहां से कलेक्ट कर लीजिए तो आपके लिए इजी रहेगा। जब आप भेजते हो कोई भी चीज उस पर अपलोड करते हो ईबे पर, तो आपको जो होता है वो FedEx का चार्ज, डिलीवरी चार्ज होता है, वो जो मेन प्राइस होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 रुपए का सिक्का आपने डाला और लिखा कि ये 200 रुपीज का, ठीक है, 200 डॉलर का, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनली डॉलर पर हमको सब कुछ मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो 200 में आपको लेना चाहते हैं कि $5 होते हैं वो डिलीवरी चार्ज लेना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको वो 200 में $5 मत ऐड कीजिए, वहां पर ईबे जो है फीचर देता है एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज का, वहां पर आप लिख लीजिए कि $5 में डिलीवरी चार्ज लूंगा क्योंकि इंटरनेशनली मेरे को सेंड करना है फ्रॉम माय कंट्री टू अनदर कंट्री, दैट्स व्हाई आपको पे करने होंगे। अब आप सब कुछ समझ गए कि मैं कौन कौन सी चीजें भेज सकता हूँ, कैसे भेज सकता हूँ, कैसे कौन कौन से अकाउंट खुलवाने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब कुछ करूंगा तो खरीदेगा कौन, ठीक है, अभी आप सोच लो कि सेलर कम है लेकिन खरीदने वाला ज्यादा है, शायद आपको पता हो या ना हो, आपको कभी भी लॉटरी लग सकती है, ठीक है, मैंने देखा है कि ईबे पर 2-3 केस देख लिए ऐसे पर्सनली, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको भी थोड़ी गाइड दे दूं, सजेशन कर दूं इसके बारे में कि हार्डवर्क तो करना नहीं है, सिर्फ अपलोड करना है, किसी का ऑर्डर आता है तो भेज देना है, ठीक है, और पैसे कमा लेना है, सिर्फ स्मार्ट वर्क है, हार्डवर्क नहीं है। तो खरीदता कौन है, तो आजकल वर्ल्ड वाइड बहुत सारे म्यूजियम हो रहे हैं, ठीक है, कुछ म्यूजियम वाले होते हैं वो एक मैनेजमेंट स्टाफ रखते हैं, उसमें कुछ जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो सिर्फ ऑनलाइन ही काम करते हैं, यानी कि म्यूजियम में क्या चाहिए, पुरानी जो चीज वस्तु होती है वो सब कुछ म्यूजियम में चाहिए, तो वो ईबे पर सर्च करते रहते हैं या ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पर ओल्ड वस्तु उसको मिल जाती है, उसको वहां पर वो सर्च करते रहते हैं और वहां पर वो बार्गेन करते हैं और उसके बाद वो परचेस कर लेते हैं, ठीक है,
तो आपको कभी भी लॉटरी लग सकती है। और कई म्यूजियम का तो मेरा एक एग्जांपल था, आप वो छोड़ दो, कई यूजर्स जो कई लोग होते हैं उसको बड़ा शौक होता है कि सभी कंट्रीज की करेंसी में कलेक्ट करूं, या बहुत सारी ओल्ड तस्वीरें होती है उसको मैं कलेक्ट करूं, या फिर कोई एपिक रिंग होती है या कुछ एपिक उसका डायमंड होता है उसको मैं कलेक्ट करूं, ऐसा बहुत ओल्ड रेडियो और बहुत सारी चीज है जो उसका शौक होता है कि मैं ऐसा कलेक्शन करूं सब ओल्ड वस्तुओं का, ठीक है, तो वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए आपकी चीज वस्तुओं में और आपको शायद ऑर्डर कर देते हैं आपके, आपने जो दाम लगाया है यानी कि जो प्राइस रखी है उस हिसाब से वो उसको पसंद आता है तो वो आपको ऑर्डर कर देता है, तो आपको अपने हिसाब से आप एक रुपए से 1000 रुपए, 1 रुपए से 10000 रुपए बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये शायद पता हो या ना हो लेकिन अब समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ईबे से अर्निंग कर सकते हैं। ऐसे ओल्ड कलेक्शन है आपके पास तो उसको बेचकर आपको उससे 10 गुने ज्यादा पैसे कमा सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। तो ऐसे ही नए सजेशन टिप्स ट्रिक्स के लिए मेरी चैनल को यहाँ पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही नई टेक्नोलॉजी टिप्स ट्रिक्स सजेशन आपको बताता रहूंगा, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और तब तक के लिए आओ जाओ।